स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा आज का हमारा टॉपिक? स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या सबसे पहले तो स्टोकियोमेट्री का मीनिंग क्या है ये देख लीजिएगा। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है बेटा स्टोकियोमेट्री मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट, अमंग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच जो क्वांटिटी वाइज रिलेशनशिप होता है वो आपकी कहलाती है स्टोकियोमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज कीजिए, एक हम एग्जांपल उठा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स NH3 अमोनिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, इसके आगे मैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट बैलेंसिंग के लिए लगा रही हूँ। जैसे देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपके 3 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। और यहाँ कितने से हो गया आपका? 2 से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी देख लीजिएगा इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये जो वैल्यूज आगे लिखी हैं ये आपके क्या हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और कोई पूछे कि ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इस इक्वेशन में क्या इंडिकेट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन, द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? इंडिकेट दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद, देखो वन मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, कंबाइन विद थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यही हो रहा है ना इस रिएक्शन में, अगर आप ध्यान से देखें। फिर से मैं रिएक्शन लिख रही हूं, देख लीजिएगा, ये है आपका N2 प्लस 3H2 गिव्स टू NH3, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पर N2 का कितना मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल है, आपको दिख ही रहा है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है आपके पास? 3 मॉलिक्यूल है। और अमोनिया के कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इंडिकेट करते हैं क्या आपका, कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल किसके बनाता है बेटा? अमोनिया के। क्लियर हो गया? अगर मॉलिक्यूल को हमने किस टर्म में लिखना हो आपका, मोल के टर्म में, तो देखो आपको ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये माइंड में होना चाहिए तभी आप ये बात बता सकते हैं। देखो क्या आपको पता है, वन मोल, पीछे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मोल कॉन्सेप्ट। वन मोल का मतलब कितने इसमें मॉलिक्यूल या एटम्स होते हैं? 6.022 × 10²³ एटम्स या मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अगर हमें मास के फॉर्म में लिखना हो तो वन मोल इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक मास, या फिर आप क्या बोलते हैं, मोलर मास। और अगर मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में लेना हो तो आपको पता है वन मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर। एक मोल का मतलब इतने, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेना हो तो इतने मॉलिक्यूल, मास की फॉर्म में लेना हो तो उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, और वॉल्यूम के फॉर्म में लेना हो तो कितने लीटर बेटा? 22.4 लीटर। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास क्या दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं? तो वन मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको। अगर वन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, आपके एवोगैड्रो नंबर से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? वन मोल। तो आप बोलोगे वन मॉलिक्यूल मींस, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, आपका वन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 × 10²³ से। क्लियर हो गया? तो ये आपका कितना बन गया बताइए, वन मोल कितना होता है? इतने से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू आपका क्या बन गया? वन मोल।
ठीक है भाई, यहाँ पर आपके कितने हैं मॉलिक्यूल, थ्री हैं, थ्री इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो इतने मॉलिक्यूल को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मोल में, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो आपके क्या हो गए यहाँ पर, कितने मोल आ गए बेटा बताइएगा, 3 मोल, ठीक है कि नहीं, आपके मॉलिक्यूल को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपके, ये आपका एवोगैड्रो नंबर से, तो वो आपका मोल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो बेटा कितने मोल आ गए आपके बताइएगा, 2 मोल, कितने मोल आ गए बेटा आपके, 2 मोल। और अगर मुझसे कोई मास के फॉर्म में पूछे, किसके फॉर्म में पूछे, मास के फॉर्म में, तो देखो 1 मोल इक्वल टू उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, तो चलिए कितने मोल नाइट्रोजन है आपके पास, 1 मोल, 1 मोल का मतलब N2 का मोलर मास, तो N2 का मोलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है तो कितना आ गया 28 ग्राम। अब यहाँ आ जाओ आपका, देखो 1 मोल इक्वल टू उसका एटॉमिक मास, तो आपका 1 मोल के बजाय मोल कितने हैं, 3, तो 3 इंटू उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, तो हाइड्रोजन का क्या है आपका एटॉमिक मास, एक का एक, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 1 मॉलिक्यूल का, 2 हो गया, तो आपका आ गया 6 ग्राम। अब यहाँ 2NH3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने मोल है, 2 मोल, तो आपका 1 मोल उसका एटॉमिक मास के इक्वल, तो 2 मोल कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू आपके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होता है नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने ग्राम आ गया बेटा, 34 ग्राम, तो आप क्या कहोगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है, या आप कह सकते हो 1 मोल N2 कंबाइन विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, अगर मोल के फॉर्म में लेना हो, ठीक है कि नहीं, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना हो तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना हो तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना हो तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर अमोनिया, क्लियर हो रही है ना बेटा मैंने क्या बात आपको समझाई है, समझ में आ रहा है ये। अब देखो एक और एग्जांपल उठा लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए मैं क्या बता रही हूँ। जैसे सपोज कीजिएगा हमने ये इक्वेशन ली है, ये है आपका मीथेन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर बेटा, क्या दे रहा है आपका, मीथेन कंबाइन विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो देखिएगा आपका यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2H2O, हाइड्रोजन आपके 4 हैं तो ये आपने 2H2O कर दिया है, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 2-2 जब 4 हो गए तो यहाँ पर आपने 2O2, तो ये आपकी बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये आपकी गैसियस फॉर्म में है सारे, वाटर भी और ये वाटर भी आपका यहाँ पर गैसियस फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में, समझ गए ना बेटा। देखो अब ये इक्वेशन लिखिए, देखो ये इक्वेशन आपकी क्या इंडिकेट करती है, ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में बोलूँ, हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल, देखो आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके आगे के क्या बता रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, क्या देता है ये, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O गैस, ठीक है। अगर मैं किसके फॉर्म में बोलूँ, मोल के फॉर्म में बोलूँ तो क्या बोलेंगे आप, 1 मोल ऑफ मीथेन, देख लीजिएगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम रिलेशनशिप के बेस पर जो है वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन, क्लियर हो गया ना बेटा, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद किससे आपका, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव, क्या दे रहा है ये, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ये मोल के फॉर्म में लिखा मैंने इसी इक्वेशन को। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगी किसके फॉर्म में, मास के फॉर्म में, तो देखिएगा 1 मोल मीन्स कितना हो गया उसका, 1 मोल इक्वल टू उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, तो बताइए कितना है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना है प्लस 4 16, तो आप बोलोगे 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद कितने से आपका,
एक ऑक्सीजन का होता है कितना आपका, और एक O2 मॉलिक्यूल का होता है 32, तो दो O2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलिएगा कितना आ गया आपका, 32 इंटू 2 64, रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव, क्या दे रहा है जल्दी से बताइएगा, टू गिव कितना आपका, ध्यान से देखिएगा, टू गिव 44 ग्राम, देखो CO2 का एक मोल है, एक मोल मतलब उसका मोलर मास, तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32 हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड कितने आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है बेटा मोलर मास, तो दो का कितना हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ H2O। ये आपका किस फॉर्म में लिख दिया बेटा मैंने, मास के फॉर्म में, अगर आपने वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता है 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, तो मीथेन कितना है आपका बताओ, 1 मोल है ना, ये आगे देखो 1 मोल ही है, 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर, तो आप कहोगे 22.4 लीटर ऑफ मीथेन, ठीक है बेटा, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विद कितने से आपका बताइएगा, कितना हो गया आपका 64, ठीक है कि नहीं, कितना आपका सॉरी 64 तो ग्राम में आ जाएगा, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विद कितने हैं, एक मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, तो 2 मोल मींस 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, क्या दे रहा है आपका, एक मोल मीन्स 22.4 लीटर, टू गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड कितने लीटर बताइएगा, कितना है 2 मोल है, 1 मोल 22.4, तो 2 मोल 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑफ H2O गैस, क्लियर हो गया बेटा, देख लीजिएगा एक इक्वेशन उसका कितने फॉर्म में हम ले सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं, मॉलिक्यूल को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मोल आ गए, तो आपका ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल, अगर मास के फॉर्म में ले लो तो एटॉमिक मास या मोलर मास, वॉल्यूम के फॉर्म में ले लो एट एसटीपी पर, तो आप बोलोगे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, तो ये आपका फॉर्मेट बता दिया मैंने आपका, ठीक है कि नहीं बेटा, कि स्टोकियोमेट्री क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन की, क्या मीनिंग है इन वर्ड्स का, ये स्टोकियोमेट्री कोफिशियंट आपके क्या इंडिकेट करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसी के बिहाव पर अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, ठीक है कि नहीं बेटा, क्या करेंगे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो चलिए अगला टॉपिक है अब हमारा क्या इसी में, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अब हम स्टोकियोमेट्रिक के ऊपर बेस्ड कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, तो सबसे पहला आपका आता है मोल टू मोल रिलेशनशिप, फर्स्ट इज मोल टू मोल रिलेशनशिप, देख लीजिएगा बेटा क्या है आपकी ये मोल टू मोल रिलेशनशिप, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर रिएक्टेंट के मोल्स पता हों तो आप प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के पता हो तो आप रिएक्टेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर हो गया बेटा, क्या बताती है आपकी मोल टू मोल रिलेशनशिप, किसी के भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको रिएक्टेंट के पता है तो आप प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के पता है तो रिएक्टेंट के निकाल सकते हैं, अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए मैं क्या बता रही हूँ, देखिएगा क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, चलिए क्या कह रहे हैं ये कि नाइट्रोजन किससे कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से और कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है 8.2 मोल्स, तो चलिए पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, देखिएगा आंसर कैसे होगा, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको पहले, तो नाइट्रोजन किससे कंबाइन कर रहा है बेटा हाइड्रोजन से और क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका अमोनिया, तो सबसे पहले तो आपको पता है जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, तो N2
देखिएगा एन टू तो आपका देख लो यहाँ पर, या एन कितने हैं टू, तो यहाँ पर आपका टू एन एच थ्री हो जाएगा, ठीक है भाई। तो टू एन एच थ्री होते हाइड्रोजन आपके सिक्स हो गए, तो यहाँ पर आपके थ्री एच टू लगा दो, तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिख दी, ठीक है बेटा। अब देखो ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है, देखना जरा बेटा। देखो ये वन मॉलिक्यूल है, अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ये कितने मॉलिक्यूल हैं, थ्री मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर कितने हैं आपके टू मॉलिक्यूल। अगर मुझे मोल के फॉर्म में लेना है तो देख लीजिएगा, नाइट्रोजन कितना है आपका वन मोल, हाइड्रोजन कितना है आपके पास थ्री मोल, मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल आ गए, तो ये वन मोल आया, ये थ्री मोल आया, और ये आपका कितना आया बेटा टू मोल, ठीक है। तो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं मोल टू मोल रिलेशनशिप, मीन्स मोल्स गिवन है, एक के मोल्स गिवन है और दूसरे के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, तो ये तो आपने लिखे बैलेंस्ड इक्वेशन से, ये सारे आपने किससे लिखे बैलेंस्ड इक्वेशन से, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स ये पूछे हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं कितने मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, तो मीन्स अमोनिया के मोल्स आपको गिवन है और आपको किसके मोल फाइंड आउट करने हैं नाइट्रोजन के बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा, अमोनिया के मोल्स आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करने हैं किसके मोल्स नाइट्रोजन के मोल्स। तो आप क्वेश्चन को देखो पहले, आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कह रही है कि 2 मोल अमोनिया, कितना बेटा 2 मोल अमोनिया किससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय किससे बोलिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, और समझ गए, तो 1 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय कितने से होगा 1/2 मोल ऑफ N2 हो गया। आपसे कितने मोल पूछ रहे हैं, कितने मोल अमोनिया, 8.2 मोल अमोनिया कितने N2 से प्रोड्यूस होगा, तो हम बोलेंगे 8.2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 1/2 इंटू 8.2, डेसिमल हटाया तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये आपका बन गया कितना 41 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 4.1 मोल। क्लियर हो गया बेटा, तो आप कहोगे क्या बोलेंगे आप कि 4.1 मोल जो नाइट्रोजन है वो प्रोड्यूस करता है 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, तो एक के मोल दिए हैं 8.2 मोल आपको दिए हैं और आपसे निकाल लिए N2 के मोल, तो दिस इज मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब इसी तरह से आगे आप देख लीजिएगा क्या बेटा मास टू मास या मोल टू मास रिलेशनशिप, आगे देखिएगा आप जरा ध्यान से क्या बताने जा रही हूँ मैं आपको, क्या बोल रही हूँ, मास टू मास और मोल टू मास रिलेशनशिप, देखो क्या होती है ये आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप, अच्छे से देखिएगा बेटा क्या चीज़ बता रही हूँ मैं आपकी, नेक्स्ट टाइप टू बोलने जा रही हूँ अब आपका, टाइप टू क्या है आपका मास टू मास, मास से मास फाइंड आउट करना, और मोल टू मास, और क्या कह रहे हैं हम मोल्स टू मास रिलेशनशिप या मोल से मास फाइंड आउट करना रिलेशनशिप। चलिए अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, कितनी बेटा 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अब जरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा क्या है ये, देखो मोल्स पूछे हैं किसके मीथेन के और मास दिया है किसका CO2 का, तो समझ गए होगे मोल्स पूछे हैं मास दिया है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया मोल्स टू मास रिलेशनशिप, मोल्स पूछे हैं मास दिया है, दिस इज मोल्स टू मास रिलेशनशिप। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, कितना मीथेन चाहिए क्या प्रोड्यूस करने के लिए बताओ, कार्बन डाई ऑक्साइड आफ्टर कंबशन, मतलब मीथेन का करना है कंबशन, तो कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, कंबशन पर हमेशा बनाता है CO2 प्लस वाटर,
क्लियर स्टूडेंट्स? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे स्टोकियोमेट्रिक वो कैलकुलेशन से आपकी, तो बैलेंस्ड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 4, तो ये आप लगाएंगे 2H2O, 2H2O करते ही ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 2O2, ये बन गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख दे रही हूँ मैं बीच में, कितने हाउ मैनी मोल्स, जिसकी बात कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बोलेंगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, हाउ मैनी मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया किसके आगे, मीथेन के, 22 ग्राम ऑफ CO2, ये क्वेश्चन बता रहा है आप 22 ग्राम CO2 के लिए कितने मीथेन के क्या चाहिए आपको मोल्स, मतलब मोल्स टू मास रिलेशनशिप है, मास से आपको मोल्स निकालने हैं। तो चलो बेटा ये जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें भी एक साइड मोल ले लेते हैं, दूसरी साइड मास, जिसके मोल के बारे में पूछ रहे हैं उसके मोल लेके चलेंगे, और जिसके मास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका मास। तो देखिएगा मीथेन का फिलहाल आपको पता है कितना दे रखा है 1 मोल, CO2 का क्या है आपका, CO2 भी कितनी है आपकी 1 मोल, कितनी है बेटा देखिएगा ये कितनी है CO2 भी आपके पास 1 मोल, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रही है, ठीक है, तो मीथेन के तो मोल ही चाहिए हमें, लेकिन CO2 का क्या चाहिए मास, तो 1 मोल CO2 मीन्स इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास 44 ग्राम, कितना बेटा 44 ग्राम, तो आप कहोगे 44 ग्राम CO2 मिलती है कितने से, 1 मोल से, तो 22 ग्राम CO2 कितने मोल से मिलेगी बता दो, तो आपने अब आंसर देखिएगा क्या बन जाएगा, आप कहोगे कितने 44 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेंड फ्रॉम, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा कितने से 1 मोल, 1 मोल CH4 से, 1 मोल मीथेन से, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेंड फ्रॉम कितने से 1/44 ग्राम, समझ गए कि नहीं, 1/44, ये मोल बाय ग्राम आ गया आपका 1/44, समझ गए कि नहीं। अब आपको कितने पूछ रहे हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा, कितने 22 ग्राम CO2, CO2 इज ऑब्टेंड फ्रॉम कितने से बेटा, कितने मोल से, ध्यान से बताइएगा 1/44 × 22, तो कितना आ गया बताइएगा, ये कितना निकल आ गया आपका 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ CH4, तो आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर कि नहीं, कि आपको 22 ग्राम, ये देखो 22 ग्राम CO2 मिल रही है कितने मोल मीथेन से, 0.5 मोल ऑफ मीथेन से, कितने से भाई 0.5 मोल ऑफ मीथेन, तो ये आपका हो गया मोल टू मास रिलेशनशिप, क्या हो गया मोल टू मास। अब एक न्यूमेरिकल आपको मास टू मास का बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, देखिएगा बेटा क्वेश्चन है आपका, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग क्या आपकी MnO2 विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या कहती है आपकी इक्वेशन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन MnO2 सॉलिड प्लस 4 HCl एक्वस फॉर्म गिव्स MnCl2 इन द एक्वस फॉर्म प्लस 2H2O प्लस 5Cl2। क्वेश्चन है नीचे देखिएगा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, 5 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है बेटा ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज मैग्नीज डाई ऑक्साइड, देखो हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट, ग्राम मीन्स मास आपको पूछा है, रिएक्ट विद 5 ग्राम मीन्स मास ही आपको दिया है, मास ही पूछा है, मास ही दिया है, तो देखिएगा दोबारा से एक बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ये देखिएगा ये आपकी इक्वेशन है MnO2 प्लस 4 HCl, ध्यान से सुनिएगा बेटा तो क्या बन जाएगा ये आपका MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 5Cl2, आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रही हूँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपका क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl, इसके ग्राम पूछे हैं किसके HCl के, रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2,
इसके ग्राम पूछे हैं, इसके ग्राम दिए हैं, बहुत ही आसान काम है। एक के ग्राम, एक का मास दिया है, दूसरे का मास पूछा है, ठीक है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आपकी ये क्या बन गई, देखो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी ये लिखी है आपके सामने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। MnO2 plus 4 HCl gives MnCl2 plus 2 H2O plus 5 Cl2। अब जरा ध्यान से देखना क्या कह रही है बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी, मोल के फॉर्म में लिखेंगे, आपको मोल नहीं ध्यान देना, मास के फॉर्म में है दोनों जगह, तो मोल को मास में ले लेंगे फिर हम। एक मोल MnO2 और कितने बेटा 4 मोल आपका HCl, 1 मोल MnO2 का, 4 मोल आपका HCl का है, समझ गए कि नहीं? तो 1 मोल MnO2 का मतलब कितने ग्राम हो गया बताओ बेटा, इसका 1 मोल इक्वल टू क्या होता है उसका मोलर मास, तो बताओ कितना है मोलर मास, बताइएगा जल्दी से। Mn का है 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक का 16, दो का 32 इक्वल टू 87 ग्राम, ये निकल आया 87 ग्राम इक्वेशन से। और HCl कितना हो जाएगा आपका 4 into, देखो कितना है हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 इंटू 4, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 146 ग्राम, ठीक भाई। तो ये आपका इक्वेशन से हो गया और ये आपने सॉल्व करना है, तो क्या कहती है आपकी इक्वेशन देखो ध्यान से सुनना, ये गिवन है क्या आपका 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद, कितने से रिएक्ट कर रही है बताओ, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम ऑफ HCl, तो बताओ 1 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद कितने से, 146 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम से, ठीक है कि नहीं, ऑफ किससे, HCl से। अब आगे आपका कितना पूछा हुआ है बताओ, 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विद, तो 146 डिवाइडेड बाय 146 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया 87 इंटू कितना आ जाएगा बेटा आपका 5, समझ में आया कि नहीं? तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8.39 ग्राम, कितना आ जाएगा 8.39 ग्राम। तो देखो एक का मास दिया था ग्राम में, दूसरे का मास आपने किस में निकाल लिया है ग्राम में, तो मीन्स ये मास दिया है, मास ही निकालना है, तो देन दिस इज नोन एज मास टू मास, पीछे आपको पढ़ाया मोल टू मास रिलेशनशिप, क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।